हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है न्यू वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से, भेल की तरफ से। बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी और बल्क में आपको हायरिंग देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 1500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने IT किया है किसी भी ट्रेड के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे। इवन अगर आपने यहाँ पे BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, इंजीनियरिंग कर रखा है 4 साल का, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे, और 2023 से पहले पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। सारी की सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका सैलरी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। और इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा और आपका यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा, मतलब कि आपका यहाँ पे CTC क्या रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का जो टारगेट रहेगा 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech किया है, कौन से ट्रेड के अंदर IT किया है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिलेगी और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोग को फायदा होगा। इवन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, इसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपको प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बल्क में हायरिंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी SSNR प्रोजेक्ट। ये जो कंपनी है पावर सेक्टर की कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इन्हीं का प्रोजेक्ट चल रहा है भेल के साथ। साथ ही साथ मैंने आपको ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, एज वेल एज मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहां पे आपको करना है कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, आपको साइड में एक ऑप्शन दिखेगा मेन्यू का, आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको जाना है कैरियर वाले ऑप्शन के अंदर। तो आप जैसे ही कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहां पे करंटली जितनी भी ओपनिंग है सारी के सारी आपको यहां पे शो हो जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे एग्जीक्यूशन के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, लाइक सिविल मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, साइट इंजीनियर सिविल का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है, BBTech किया है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर 2023 में पास आउट होने वाला है या फिर पास आउट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साइट इंजीनियर मैकेनिकल का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है BBTech के मैकेनिकल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पे सिविल फॉरमैन का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपने यहाँ पे IT किया है या फिर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल सुपरवाइजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, IT और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए निकाला गया है जिसके अंदर सिविल ब्रांच आपकी होने जरूरी है। आपको यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए, तो अगर आपने BBTech कर रखा है MEMTech कर रखा है आप यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने यहाँ पे
बीटेक की है, आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे आपको क्वांटिटी सर्वेयर का वैकेंसी देखने को मिलेगा और बिलिंग इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिंग मैनेजर का वैकेंसी निकाला गया है और बिलिंग इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने इंजीनियर की पोजीशन के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर की पोजीशन के लिए अगर आपने बीबीटेक किया या फिर अगर आपने एमएमटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जूनियर सर्वेयर का वैकेंसी निकाला गया है और सीनियर सर्वेयर का वैकेंसी निकाला गया है। तो अगर आप जूनियर सर्वेयर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने आईटीआई किया या फिर डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे। सीनियर सर्वेयर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने यहां पे डिप्लोमा किया या फिर बीबीटेक किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा दोनों पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। साथ ही साथ बात की जाए आपको यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, स्टोर मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, स्टोर ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर नॉन टेक्निकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट ये रहने वाला है। सेफ्टी मैनेजर का रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर का रहेगा, सेफ्टी सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। सुपरवाइजर के लिए अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर की पोजीशन के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर बीबीटेक किया है आप एलिजिबल रहेंगे और मैनेजर की पोजीशन के लिए अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने एमएमटेक कर रखा है तो आप मैनेजर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर आपने किसी भी ब्रांच में या फिर किसी भी ट्रेड के अंदर आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीबीटेक कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर का, सीनियर इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल मैनेजर का और इलेक्ट्रीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आपने यहाँ पे आईटी कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर की पोजीशन के लिए अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर के लिए अगर आपको ने बीबीटेक कर रखा है फिर एमएमटेक कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वैसे भी आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, इंजीनियर की पोजीशन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए और यहाँ पे मैनेजर के लिए। तो इंजीनियर के लिए अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया या फिर बीबीटेक किया है, आपकी ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक किया है आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे माइनिंग इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जियोलॉजी के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है जियोलॉजिस्ट का। तो अगर आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है जियोलॉजी के अंदर या फिर एमएससी कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग के अंदर अगर आपने माइनिंग कर इंजीनियरिंग कर रखा है यहाँ पे 3 साल का या फिर 4 साल का आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ब्लास्टिंग का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीबीटेक किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात की जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने टॉप पे यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड करवा रखा है अपना। इस मेल आईडी पे क्या करना है, आप अपने रिज्यूम को, जो भी आपका रिज्यूम है, सीवी है, उसको आपको यहाँ पे सेंड कर देना है कवर लेटर के साथ। अब कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है कवर लेटर लिंक करके, उस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी बीबीटेक किया या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना, और बीबीटेक किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया तो बीबीटेक को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहां पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहां पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूं कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है।
आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए। ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करेंगे अपने मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा। कब आपने बीबीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ। एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। हम बता रहा हूँ कि आपको मेल कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कंपोज का, तो आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका मेल आईडी रहेगा, जिस भी मेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हैं, जो मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके यहाँ पे टू के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है। देन फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट के अंदर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन फिर आता है कंपोज ईमेल, तो आपको मैंने जो कवर लेटर दिया है उसको आपको यहीं अटैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपको कवर लेटर को कर देना है कॉपी। आप इसको एडिट कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है। नॉर्मली आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटा देनी है। डियर सर मैम ये आ जाएगा और नेम को हटा के आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। देन फिर आता है यहाँ पे आपको सीवी को कैसे अटैच करना है। ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अटैच फाइल का, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिस भी ड्राइव के अंदर आपका सीवी है रिज्यूम है उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डायरेक्ट का सेंड का, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। ये डायरेक्टली आपका मेल सेंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक्डइन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।